गोविंद सागर एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन और पर्यटन विभाग के अंतर्गत गोविंद सागर टूर एंड ट्रैवल एजेंसी के संयुक्त तत्वावधान में अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली के सहयोग से एक दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स फ्रेंडली मीट का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि एसडीएम सदर बिलासपुर सुभाष गौतम और हिमाचल प्रदेश कायंग एंड कनोइंग एसोसिएशन के राज्य सचिव ईशान अख्तर ने विशेष रूप से शिरकत की। गोविंद सागर एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अधिकारियों ने मुख्य अतिथि एसडीएम सुभाष गौतम को हिमाचली परंपरा अनुसार हिमाचली टोपी और हिमाचली शॉल देकर सम्मानित किया। गोविंद सागर एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों सराज अख्तर एवं निर्मला राजपूत ने बताया कि पिछले कई वर्षों से एसोसिएशन गंभरोला ट्रसल में पर्यटन को विकसित करने के लिए कटिबद्ध है। इसी कड़ी में कीरतपुर मनाली फोर लेन निर्माणाधीन पुल गंभरोला ट्रसल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दिवसीय एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स फ्रेंडली मीट का आयोजन किया गया है। जिला बिलासपुर के गंभरोला ट्रसल ग्राम पंचायत नौनी के अंतर्गत आज हमारे सभी खिलाड़ी यहां गंभरोला ट्रसल के पास आए हैं और ये जो जगह पड़ती है आप देख रहे हैं, ये फोलन का जो पुल यहां बन रहा है, ये पूरे उत्तरी भारत ही नहीं पूरे देश के पर्यटक यहां से मनाली की तरफ गुजरेंगे। और आज इसी कड़ी में वाटर स्पोर्ट्स का एक ट्रायल, एक वाटर स्पोर्ट्स की फ्रेंडली मीट का आयोजन गोविंद सागर एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन एवं हिमाचल प्रदेश काइकिंग एंड कनोइंग एसोसिएशन के शुभ तत्वाधान में यहां किया जा रहा है। हमारे बीच में अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान मनाली के अंतर्गत लूणु वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के प्रभारी आदरणीय जन्म ठाकुर जी की अध्यक्षता में यहां पर वाटर स्पोर्ट फ्रेंडली मीट का आयोजन किया जा रहा है।